अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक स्टूडेंट। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया हुआ था, ये इंतहा एक आसान क्वेश्चन था। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी भी अगर आपको नो हाउ हो, तो ये क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाना चाहिए था। देखें, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि 1 बिलियन इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन एक और तरह भी आता है कि 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, या 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। तो इसका आपको मैं एक छोटा सा तरीका आपको मैं बताता हूँ, आपने याद कैसे रखना है इसको। आपने एक बेसिक आपने याद रखना है 1000 से। 1000 में आपने मुझे बताना है कि 1000 में कितने जीरो होते हैं। 1000 में 3 जीरो होते हैं, बस आपने एक 1000 आपने इसके बेस आपने याद रखे हैं। 1000 के बाद क्या आता है? मिलियन। मिलियन के बाद आता है बिलियन। बिलियन के बाद आता है ट्रिलियन। ये चीज आपने याद रखनी, क्योंकि इन्हीं में से बार बार ये पूछता है। 1000, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। अब जो 1000 है ना, तो 1000 में हमने ये देखना है कि कितने जीरो आ रहे हैं। यहाँ पे आ रहे हैं 3 जीरो, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं 10 की पावर 3। जितने जीरो होते हैं उतने हम लोग 10 की पावर में हम लोग लिख देते हैं। अब अगर 1000 में अगर 3 जीरो है, तो 1000 के बाद आएगा मिलियन। मिलियन में आप लोग 3 जीरो और बढ़ा दो, यानी उसको आप लोग कर दो 6 जीरो, यानी आप उसको लिख दो 10 की पावर 6। मिलियन के बाद आएगा बिलियन। बिलियन में आप लोग 3 जीरो और बढ़ा दो। बस आपने बेसिक आपने 1000 को याद रखना है, उसके बाद आप 3 3 जीरो बढ़ाते जाए, क्योंकि इसमें 3 जीरो है। इसका मतलब बिलियन में फिर 9 जीरो आ जाएंगे। 9 जीरो का मतलब 10 की पावर 9। ये आपका राइट आंसर है बिलियन का, कि 1 बिलियन इज इक्वल टू 10 की पावर 9, इसमें 9 जीरो आते हैं। बिलियन के बाद क्या आता है? ट्रिलियन। ये ट्रिलियन भी पूछता है, ये ज्यादातर पीपीएससी के पेपर में पूछता है, पंजाब पब्लिक में। उसमें आते हैं 12 जीरो, यानी कि दैट विल बी 10 की पावर 12। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये छोटा सा क्वेश्चन, ये भी इसके टेक्निक आपको समझ आई होगी। ये टेक्निक बस आप लोगों ने याद रखनी है, नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने सिर्फ बस देन बस 1000 रखना है बस, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा प्रोपोर्शन टाइम वर्क शेयरिंग वाला था, उसकी तरफ अभी हम लोग चलते हैं। थैंक यू।